बुलाइए बुलाइए उनको बुलाइए, आइए 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 आइए। इनका परिचय ये है कि इनका नाम है मोइन अहमद, ये हमारे मेंटरशिप के दौर के साथी हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल से प्रॉपर आईएएस बने हैं, 296 रैंक है और सब अनुमान ठीक रहा तो उत्तराखंड कैडर में जाने वाले हैं, रहने वाले हैं मुरादाबाद के। और अटेम्प्ट इनका मेंस का और इंटरव्यू का पहला था, वैसे चौथा अटेम्प्ट था। कुछ बातें और बताता हूँ खास, अभी हल्का हल्का कांप रहे हैं मुझे, मैंने पकड़ रखा है ना, हल्का हल्का वाइब्रेशन में फील कर रहा हूँ, ऐसे होता है भाई, शुरू में सबको होगा, कुछ दिनों के बाद लोग कांपेंगे आपको देख कर यही होता है सबके साथ ही होता है। ये क्रिकेटर हैं बहुत खतरनाक, और इनका सपना था, और पहले इनका सपना था क्रिकेट खेलने का देश के लिए, फिर संघर्ष होते हैं अपने अपने, नहीं हो पाया, तो 2015 के आसपास इन्होंने अपना साइबर कैफे खोला गांव में, और 3 साल साइबर कैफे चलाया 2015 से 18 तक लगभग, ऐसे ही था ना, 18 तक, 16 से 18 तक, कुछ कुछ वहां से सेविंग्स करके फिर इनका सपना हुआ कि भाई आईएएस बनेंगे। फिर ये दिल्ली आए, 3-4 साल स्ट्रगल की, जैसे दृष्टि में अस्मिता योजना है, ऐसे एक योजना, एक फाउंडेशन है कोई, उस फाउंडेशन की योजना में ये शामिल हुए, वहाँ ये उनका रहना खाना हुआ, पढ़ते रहे लगातार, और इस बार जैसे प्रीलिम्स हुआ एक ही झटके में मेंस भी, इंटरव्यू भी, और प्रॉपर आईएएस। इस बार अच्छी बात यह कि जो 54 लोग सिलेक्ट हुए हैं उनमें से 13 लोग कम से कम आईएएस बन रहे हैं और शायद 15 तक बन सकते हैं, तो जो 13 लोग पक्का आईएएस बन रहे हैं उनमें से एक मोइन है, और ये 2 शब्द कहेंगे आपको मोटिवेट करने के लिए, कुछ ऐसा कहो कि ये सब भी मतलब सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। जैसे कि साहब ने मेरे बारे में बताया कि मेरी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, तो यही मैं बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि अभी आप उस जगह पर आ गए हैं जो आपको आईएएस बनने से अब नहीं रोक सकता कोई, जो मुझे लगता है, जो मैंने फील किया था जब मैं भी कोचिंग क्लासेस में पहली बार गया था, तो जब मैं पहली बार वहाँ बैठा तो मुझे लगा कि शायद 80-90% जर्नी अब खत्म हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोग सपने देखते हैं, गांव से होंगे और हिंदी मीडियम है तो मोस्टली हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो यहां तक आना ही एक अचीवमेंट है। अब अगर आप लोग यहां तक आ गए हैं तो अब सिर्फ एक काम जो करना है वो यही है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ें, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होंगे आपके लिए, उन सभी से बचना है, और अपनी पढ़ाई जितनी ईमानदारी से आप करेंगे सक्सेस मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि मैंने जिस बैकग्राउंड से मैं आया, जो मेरी पढ़ाई हुई, स्नातक की भी पढ़ाई कोई इतनी अच्छी नहीं हुई, स्कूलिंग भी मैंने गांव से ली है, तो वो सारी चीज़ें मैंने पीछे छोड़ दी थी। मैंने यही सोचा था कि यार अब मैं दिल्ली आ गया हूँ, अब मैं उन सभी लोगों के बराबर हूँ, चाहे वो IIT से पढ़ के आया है, चाहे वो JNU से पढ़ के आया है, चाहे वो AMU से पढ़ के आया है, लेकिन अब वो मेरे लेवल पे है, उसकी पढ़ाई अच्छी हुई होगी, हो सकता है वो कुछ चीज़ों को 6 घंटे में कर लेता हो, तो अगर मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है तो मैं 8 घंटे लगा लेता हूँ, अगर हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सपना बड़ा है हमारा तो मेहनत भी बड़ी होगी, और खुद पे भरोसा रखो। इस जर्नी में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो यही है कि खुद पे भरोसा रखो कि आप कर सकते हैं, जब मैंने किया है तो यहाँ बैठा हर एक इंसान कर सकता है। मैं तो इस बार ये अल्लाह में विश्वास रखने वाला आदमी हूँ, तो मैं यही कहूँगा कि आप अपना 100% दीजिए, बाकी चीज़ें उसके ऊपर छोड़िए, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। और सिविल सर्विसेज में तो जैसे सर हमेशा बोलते हैं, आपने सुना होगा कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो ज़िंदगी में आप बहुत बेहतर करेंगे जहाँ भी जाएंगे, यही मेरा संदेश है। ठीक है मोइन, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा, और अब इनको ये शुभकामना नहीं देनी है कि अगली बार आईएएस बन जाए, बन गए हैं आईएएस, तो इनको शुभकामना 2 देनी है, तो कार्ड इनको अच्छा मिल जाए जो ये चाह रहे हैं उत्तराखंड, और दूसरा आज तो ये आईएएस बन गए हैं। मज़ा इसमें है कि आज से 15-20 साल बाद देश भर में ऐसा नाम हो कि लोग अखबार खोले तो हर रोज़ सामने लिखा हो कि मोइन अहमद आईएएस ने किया ये धमाल, ऐसा कुछ है ना, शुभकामना।